ये मोदी का स्वच्छ भारत दिखा रहा हूँ भाई, भारत का स्वच्छ भारत है, ये स्वच्छ भारत इस तरह होता है इंडिया में। केजरीवाल का राज में देखो कैसा है, दिल्ली का हालत कैसा है देखो। थोड़ा सा भारत के ऊपर बाढ़ आ गए इधर, क्योंकि पानी जाने पे कोई व्यवस्था नहीं बनाया गया, कोई गटर वगैरह कुछ भी नहीं है। पता नहीं बाहर क्या करते हैं लोग, बाहर कंट्री अमेरिका या लंदन देश में जाके आते हैं, उधर देख के क्या सीखते हैं पता नहीं। इधर देखो वैसे कैसे, ये पूरा बोलने में तो बोलते हैं स्वच्छ भारत है, लेकिन ये क्या हो रहा है देखो, पूरा बाढ़ आ गया, आदमी चल नहीं सकते। इसलिए अभी भी दो मेरे को एक महीना पहले देखा था, कोई बच्चा गटर में गिर के मर गया था उस तरह का, जो क्योंकि ये पानी में पता नहीं चलता किधर गड्ढा है क्या है, कुछ पता नहीं चलता। देखो लोग कैसे कैसे ऑटो धक्कन मार के लेके आ रहे हैं, अभी बताओ उसमें अगर कोई गड्ढा होएगा क्या होएगा, उसमें गिर जाएगा सभी लोग ना। देखो कैसा स्कूल बैग दिया जा रहा है उसमें, किसी बच्चा का स्कूल बैग जा रहा है उसमें, देखो कैसे जा रहे हैं लोग। ये आ रहा था दिल्ली का एमसीडी का, हॉलीडे आया हुआ इधर इंडिया घूमने के लिए, लेकिन हॉलीडे क्या होगा अभी बाहर घूम नहीं सकते इस तरह, लेकिन ठीक है ठंड हो गया अभी, गर्मी तो नहीं है, लेकिन ये बाढ़ आ गया तो इस तरह का हालत देखने को मिला हमको। हमको तो बहुत अच्छा होगा इधर सिस्टम बना हुआ था, बारिश का पानी रुकता नहीं वैसे सोच रहा था, लेकिन अभी पता चला स्वच्छ देख हम खुद देख रहा हूँ अभी कैसा रुका हो गया पानी, तो बाढ़ आ गया, फंस गया, वो जा नहीं सकता बेचारा, सोच रहे कैसे जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर आके जाएगा तो यहाँ का गड्ढे में तो नहीं गिरेगा, इस तरह सोच रहा है वो, क्योंकि मालूम नहीं उसको सामने क्या है, छोटे छोटे बच्चे लोग इस तरह रोड में घूम जाते हैं, तो इसी तरह घूमते इस तरह खेलते हुए दो महीने पहले एक बच्चा गिर गया था पानी में, बहन और मतलब भाई बहन दो जा रहा था तो उसमें एक बच्चा गिर गया ना, बहन बच्चा लड़का गिरा पानी में चले गया था। देखो आटा क्या हो रहा है, आटा चल नहीं पा रहा था, धक्का मार के लेके जा रहा था। तो बोला था कि मतलब 100 स्मार्ट सिटी बनाएगा, स्मार्ट सिटी छोड़ो जो सिटी है उसको बचाने का काम करो, उसमें पानी का या जाने का या जो भी बाढ़ है उसका व्यवस्था करो किसी चीज़ करो। तो पानी इतना ज्यादा है तो बोल नहीं सकता, धक्का मारना पड़ता है फिर चल नहीं पा रहा कैसे है भाई।